नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सजानंद विद्यालय के द्वारा आयोजित डिजिटल एजुकेशन श्रेणी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, कक्षा 7 विषय हिंदी में हमने 1 से 3 पाठ का अभ्यास किया है। बीच में हमने व्याकरण का विशेषण का टॉपिक एक लिया था। आज मैं व्याकरण का एक और टॉपिक आपको समझाऊंगी, जो है काल के बारे में। आप सबको पता है काल कितने आते हैं, भूत, भविष्य एंड वर्तमान। गुजराती में पण अने हिंदी में पण तमारे आ त्रण काळ भणवाना आवे छे। आजे आपणे ए त्रण काळनो अभ्यास करीशुं अने एने ओळखवानो अने ना वाक्य कई रीते लखवाना छे तेना विशे आपणे शीखीशुं। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ 3 के अंत में जो सच्चा हीरा पाठ है उसके अंत में भाषा सज्जता दी गई है, उसमें 3 काल का वर्णन लिखा गया है। उसके बारे में मैं आपको आज समझाऊंगी कि काल है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यह 3 काल है वह क्रिया के आधार से हम पहचान सकते हैं। पिछले शब्द से हमें पता चलता है कि यह कौन से काल का शब्द है या वाक्य है, उससे हम पता लगा सकते हैं। इस काल के बारे में हम अभी शुरू करते हैं। ये भाषा सज्जता आपको पूरी अपने नोट में लिखनी है और प्रश्न अंत में पेज नंबर 190 पे 19 पेज नंबर 19 पे आपको मुहावरे के लिए मतलब सीखने के लिए कुछ वाक्य दिए गए हैं। यहाँ तो मैंने लिखे हुए हैं लेकिन वह आपको खुद से लिखने हैं, समझ के लिखने कि इसमें कौन सा काल आता है वह लिखना है। भाषा सज्जता हम देखते हैं। पहले निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, आज स्कूल में छुट्टी है, रमेश बाग में खेलता है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित किए गए चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, यह शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं। जैसे कि चलो हम चलते हैं, हम कार्य करते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, आवा शब्द ऐसे शब्द आते हैं तो हम इसको क्या है, चालू क्रिया कहते हैं। इसीलिए वह अभी हो रही है, फिलहाल हो रही है, जिसको हम वर्तमान काल कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से किया होती है या हो रही हो ऐसा बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया है कि उसके जो स्वरूप है उसके रूप से जो क्रियाएं हो रही है या तो हो रही है, शुरू है, अभी वो क्रिया शुरू ही है, उसको हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। अभी देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए कि इसमें से जो वर्तमान काल के शब्द है उसको हमें क्या करना है, रेखांकित करना है। मैंने उसे फूल दिया, मतलब दिया था, अभी दिया नहीं है, दिया है। अगर यहाँ पे दिया है लिखा होता है तो क्या कहलाएगा, वर्तमान काल कहलाएगा। मैं बाजार जाता हूँ तो क्या है कि जाता हूँ, वो क्या है कि क्रिया अभी वर्तमान काल में हो रही है, वो जाता है बाजार। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मतलब वो क्या अभी खेल ही रहे हैं, वर्तमान काल हुआ। चूहे उछल कूद कर रहे थे, मतलब कर रहे थे, अभी कर रहे नहीं है, वो भूतकाल हो गया। वह विद्यालय जा रहा है, जा रहा है मतलब अभी जा रहा है, वो क्या हुआ, वर्तमान काल हुआ। हम प्रयाग जाएंगे, वो क्या हुआ, जाएंगे मतलब भविष्य काल हुआ, बराबर। तो ऐसे थे, दिया, वह क्या होता है, भूतकाल होता है। कर रहा हूँ, कर रहा है, ऐसे शब्द आते हैं, इसको हम वर्तमान काल कहेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को नीचे दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अभी देखते हैं आप, मीना कल दुबई गई, हेमंत ने पत्र लिखा, माँ ने दिया जलाया, गीता ने पानी पिया। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द गई, लिखा, जलाया, पिया, क्रिया पूरी हो गई ऐसा बोध कराते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं।
कि जैसे क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई हो ऐसा बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब जो काम खत्म हो गया है उसको हम क्या कर देंगे, भूतकाल कर बोल देंगे कि अभी मैंने वो काम कर दिया, वो क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। मैंने जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं तो जिसका पहला पीरियड आता है, तास आता है, वो खत्म हो गया, मतलब वो भूतकाल में चला गया। वो वर्तमान काल में कौन सा काल आएगा, जो पीरियड शुरू है वो वर्तमान काल में रहेगा, या तो जो तास अगले उसके बाद में आने वाला है उसको क्या कहेंगे हम, भविष्य काल में, क्यों भविष्य में बाद में आएगा वो भविष्य काल। पहले जो हो रहा है वर्तमान काल, जो हो गया है भूतकाल, जो होने वाला है वह भविष्य काल कहलाएगा। अभी वाक्य देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। मैंने उसे फल दिए, दिए शब्द क्या होता है, भूतकाल मतलब दे दिए। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे मतलब वो क्या हुआ, भूतकाल हुआ। अभी देखो गांधीनगर गुजरात में है, मतलब वो है वर्तमान काल में भी है। ये चित्र आपको कल दूंगा, मतलब वो भविष्य काल हुआ। यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, मतलब यह वर्तमान काल हुआ। हम पहले सूरत में रहते थे मतलब क्या हुआ, वह भूतकाल हुआ, भूतकाल में रहते थे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, मतलब वो वर्तमान काल में भी वह ज्योतिर्लिंग है, वर्तमान काल हुआ। जो थे वाले थे रहते थे, ऐसे भूतकाल वाले शब्द हमने जो है वो रेखांकित कर दिए हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अब्दुल कल आएगा, लड़के शाम को खेलेंगे, मीना गुड़िया खरीदेंगी, डाकिया डाक लाएगा। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द आएगा, खेलेंगे, खरीदेंगी, लाएगा क्रिया होने वाली है ऐसा बोध कराते हैं। बच्चों जो क्रिया होने वाली है ऐसा बोध कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जो क्रिया मैंने आगे बोला कि वर्तमान काल नहीं, परंतु जो क्रिया होने वाली है उसे हम भविष्य काल कहेंगे। भविष्य काल दर्शाने वाले शब्द को हम अभी यहाँ देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल की जानकारी दे शब्द को रेखांकित कीजिए। माली बाग में से फूल चुनेगा, मतलब चुनेगा, वह क्या हुआ, भविष्य काल हुआ। हम हिंदी सीखते हैं तो क्या है, वर्तमान काल में सीखते, वह नहीं होता है। पिंकल कल कहानी की किताब लाएंगी मतलब क्या हुआ, भविष्य काल हुआ। मैं शिक्षक बनूंगा, वह भी भविष्य काल हुआ। कोमल छठी कक्षा की छात्रा थी, मतलब वो थी, भूतकाल में थी। अनिल कल पतंग उड़ाएगा, वह क्या हुआ, वह भी भविष्य काल हुआ। मैं बस में जा रहा था, वह क्या हुआ, वह जा रहा था, मतलब भूतकाल में जा रहा था। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया नी जे पूर्णता अपूर्णता नो जेनो बोध थाय छे एने आपणे काल कहीए छीए। काल के प्रमुख तीन भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल, वो तीन बोध है। मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले यह बताया था कि हम इसका उदाहरण देखेंगे, जो बच्चों आपको खुद से लिखना है। अगर बच्चों आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा काल आता है या नहीं आता है, वरना आप जो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा काल आता है। अगर सीखेंगे तो ही आएगा। तो हम देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों से जिस काल का पता चलता है उसके सामने उस काल का नाम लिखिए। पहलू, रोशनी ने कहानी सुनाई, मतलब उसने क्या किया, कहानी सुनाई मतलब सुना दी, अभी सुना रही, सुनाने वाली नहीं है अथवा तो सुना रही नहीं है, तो क्या हुआ, वह भूतकाल होता है।
हम परसों घूमने जाएंगे। जाएंगे मतलब भविष्यकाल होता है। अभी है, पिताजी के जूते खो गए, मतलब वो खो गए। कब खो गए पता नहीं, भूतकाल में वो खो गए थे, इसीलिए वो भूतकाल हुआ। मैं दादी जी के साथ मंदिर जाता हूँ, वह क्या है, वह भी जाता है, तो वर्तमान काल हुआ। अनीता सातवीं कक्षा में पढ़ती है, अभी पढ़ती है, इसीलिए वह वर्तमान काल हुआ। मैं किताबें खरीदूंगी, मतलब भविष्य काल, खरीदेंगी। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेंगी, वह भी भविष्य काल हुआ। हरी रहीम से बात कर रहा था, मतलब भूतकाल में कर रहा था, उसको भूतकाल कहते हैं। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, पहले हो रहा था, उसको इसलिए क्या हुआ, भूतकाल हुआ। देखो बच्चों, अभी प्रश्न तीन में ये है कि निम्नलिखित वाक्य के अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में एक एक वाक्य बनाएं। उसमें उदाहरण दिया गया है, खेलना, वर्तमान काल में मैं खेलता हूँ, भूतकाल में मैं खेलता था, भविष्य काल में मैं खेलूंगा। उसके अनुसार मैं आपको एक उदाहरण और सुनाऊंगी, वो है पढ़ना। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता था और मैं पढ़ूंगा। उड़ेलना, मैं उड़ेलता था, उड़ेलता हूँ, मैं उड़ेलता था और उड़ेलूंगा। बटोरना भी, मैं बटोरता हूँ, बटोरता था, बटोरूंगा। ऐसे आपको सबका लिखना, सहलाना और सराहना के ऊपर भी आपको वाक्य बनाने हैं। यहाँ पे हमारा व्याकरण का जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। बच्चों, आपको यह वाक्य व्याख्या है वो तैयार करनी है और ये पढ़ेंगे और लिखेंगे, तभी तो आपको यह वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल आपको समझ में आएगा। अस्तु, जय स्वामीनारायण।